2024 का लोकसभा चुनाव भले ही अभी दूर है, लेकिन देश की हर राजनीतिक पार्टी साम दाम दंड भेद अपनाते हुए जनता को अपनी तरफ लुभाने में जुटी हुई है। सत्ताधारी भाजपा हो या उसकी मुख्य विरोधी कांग्रेस, दोनों एक दूसरे पर आरोपों की बौछार कर रहे हैं। ताजा मामला उपजा है एक ट्वीट से, जिसे किया गया है कांग्रेस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से। ये विवादास्पद ट्वीट बीजेपी और संघ को टारगेट करते हुए किया गया है, लिहाजा उनकी तरफ से भी सख्त प्रतिक्रिया का आना लाजमी था। लेकिन पहले हम आपको उस ट्वीट के बारे में बताते हैं, जिसके बाद एक बार फिर से कांग्रेस और भाजपा आमने सामने आ गई हैं। इस ट्वीट में आरएसएस की शॉर्ट पैंट में आग लगी हुई दिखाई गई है। उसके नीचे लिखा है 145 डेज मोर टू गो, यानी 145 दिन और। कांग्रेस पार्टी ने फोटो शेयर करते हुए लिखा कि देश को नफरत के माहौल से मुक्त करने और आरएसएस बीजेपी द्वारा किए गए नुकसान की भरपाई को पूरा करने के लक्ष्य की दिशा में हम एक एक कदम बढ़ा रहे हैं। अब कांग्रेस के इस ट्वीट के बाद बीजेपी ने भी अपने आक्रामक तेवर दिखाते हुए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और पूरी पार्टी को अपने निशाने पर ले लिया। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं बल्कि भारत तोड़ो और आग लगाओ यात्रा है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि कांग्रेस क्या इस तस्वीर से ये संदेश देना चाहती है कि आरएसएस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं की केरल में हत्या की जाए और उन्हें वहां की राजनीति से एलिमिनेट किया जाए। ये जो तथाकथित इनकी भारत जोड़ो रैली है, यह अभी केरल में है। केरल में किस प्रकार से जो संघ के कार्यकर्ता हैं उनकी कितनी हत्याएं हुई हैं, इस विषय में आप जानते हैं। आपको पता है कि किलिंग फील्ड्स ऑफ केरला के नाम से संघ के कार्यकर्ताओं की, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की, एक विचारधारा के, एक विचार परिवार की कार्यकर्ताओं की हत्याएं हुई हैं और होती रही हैं। इस तस्वीर के माध्यम से बहुत ही सोच समझ करके एक षड्यंत्र के अंतर्गत राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने एक संदेश भेजा है वहां के आतंकवादियों को कि आप जो संघ के कार्यकर्ता हैं, जो भाजपा के साथ जुड़े हुए हैं। चूंकि कांग्रेस पार्टी ने इस बार सीधा वार संघ पर किया था, लिहाजा वहां से भी बहुत ही करारा जवाब आया है। दरअसल कांग्रेस के ट्वीट पर रायपुर में डॉक्टर मनमोहन वैद्य ने कहा कि वो लोगों को नफरत से जोड़ना चाहते हैं, वो लंबे समय से हमारे लिए घृणा रखते हैं। उनके पिता और दादा ने आरएसएस को रोकने की कोशिश की, लेकिन आरएसएस नहीं रुका और निरंतर बढ़ता रहा। कि एक तो हेट्रेड से आप जोड़ना चाहते हैं क्या? हेट्रेड वो पाल रखे हैं बहुत पहले से, और उनके बाप दादा ने भी संघ का बहुत तिरस्कार किया, अपनी सारी ताकत के साथ संघ को रोकने का प्रयत्न किया, दो दो बार भी बिना कारण प्रतिबंध लादे गए, संघ रुका नहीं है, लगातार बढ़ते रहा है। संघ क्यों बढ़ रहा है? तो संघ के पास सत्य सिद्धांत है, सिद्धांतों लेकर जीवन भर चलने वाले व्रतस्थ ऐसे कार्यकर्ताओं की पीढ़ी उसके लिए आवश्यक त्याग परिश्रम बलिदान करने वाले लोग तैयार होते रहे हैं और समाज का सहयोग खूब मिलता रहा है, लगातार मिलता रहा है। ठीक है, इसलिए इससे भी उनका हेटरेड ही ध्यान में आता है, तो क्या कहना उसके बारे में, कुछ कमेंट करने लायक वो सारा चित्र वगैरह भी। इस बयान पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अगर भाजपा कंटेनर, जूते या टी शर्ट के बारे में मुद्दा बनाना चाहती है तो ये दर्शाता है कि वो घबराए हुए हैं। अगर कंटेनर के बारे में मुद्दा बनाना चाहते हैं, टी शर्ट के बारे में मुद्दा बनाना चाहते हैं, जूतों के बारे में इसको मुद्दा बनाना चाहते हैं, तो ये बिल्कुल साफ है कि ये घबराए हुए हैं, ये परेशान हैं और कुछ भी बोल देते हैं। झूठ की फैक्ट्री तो बिल्कुल ओवर टाइम चल रही है अभी, और खास तौर से सोशल मीडिया पर। बहरहाल कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज छठवां दिन है और राहुल गांधी की विदेशी ब्रांड की टी शर्ट से लेकर विवादित बयान देने वाले पादरी जॉर्ज पुनैया से मुलाकात तक सब कुछ विवादों के घेरे में आ चुका है और भाजपा ने लगातार कांग्रेस पर सियासी वार भी किए हैं। वहीं अब कांग्रेस ने संघ की पोशाक को हथियार बनाकर आरएसएस और बीजेपी पर हमला किया है। ऐसे में लगता है कि यह सियासी पारा आने वाले दिनों में बढ़ता ही जाएगा।